हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित तो कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि वादा हुआ है आपसे कि सो, सोशल सिक्योरिटी की जो आपकी क्लासेस हैं वो होंगी तो ईपीएफओ का पेपर आगे हो गया है बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है पर इसमें कोई बुरी चीज़ भी नहीं है बुरी चीज़ों को बोला जाता था कि बार बार नहीं बोलते ठीक है तो अब जो बच्चे नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक खुशखबरी की बात भी आई है कि आपका पीसीएस का एग्जाम होना है ठीक है पी का एग्जाम आपका सितंबर में टेंटेटिव डेट रखी गई है प्रीलिम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की अभी मैं इस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है उसको भी एक वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं तो पीसीएस के लिए ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स काफी काम आ सकती हैं बच्चों प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पीसीएस में अब अप्लाई करने वाले बच्चे हैं वो जरूर इन वीडियोस को देखें ठीक है चलिए तो आईटी इनिशिएटिव्स की बात करेंगे आज हम कुछ हेल्थ एरिया से रिलेटेड अभी जब अभी तक जो हमने लेक्चर्स देखे उसमें हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़ा और नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी दो में आई थी उसी के तहत कुछ आई टी इनिशिएटिव और शुरू किए गए अब इनमें से कुछ आईटी इनिशिएटिव्स जो हैं वो काफी पुराने आईटी इनिशिएटिव्स हैं 2016, 2015 ऐसे भी आईटी इनिशिएटिव्स हैं 2009 का भी है तो मैंने ये सब यहां पर क्यों लिए हैं उसके पीछे एक कारण है ठीक है वो कारण मैं आपको बताता हूं उससे पहले ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं शिक्षित एट द रेट जी डॉट कॉम के ऊपर या केतन एट द रेट डॉट कॉम के ऊपर या आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट शिक्षित डॉट कॉम यहां पर ईपीएफओ के आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ठीक है चलिए तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो आई इनिशिएटिव्स हैं एनएचपी के अंडर ये क्यों हमने यहां पर लिए हैं पुराने होने के बावजूद भी क्योंकि ये इंडिया ईयरबुक में मेंशन थे मैंने डायरेक्टली ये जो है आपका जो हेल्थ का एक चैप्टर रहता है इंडिया ईयरबुक में उस इंडिया ईयरबुक से डायरेक्टली मैंने एज इट इज इन इनिशियटिव को उठाया है ठीक है और बहुत क्रिस्प फॉर्म में है फास्ट फॉर्म में है ठीक है ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है क्रिस्प फॉर्म में हमने बस ये देखना है कौन से इनिशिएटिव में क्या है तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल हेल्थ पोर्टल की ठीक है अब ये नेशनल हेल्थ पोर्टल क्या है ये एक सिटीजन पोर्टल की तरह काम करता है और इसका मेन पर्पस क्या है इस पोर्टल को बनाने का मेन पर्पस है ताकि ये हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो सिटीजन को और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कर सके अब स्टेक होल्डर्स में इसमें कौन आ जाते हैं इसमें डॉक्टर्स भी आ जाते हैं इसमें बाकी स्टेट्स भी आ जाती हैं इसमें बाकी हॉस्पिटल्स आ जाते हैं ऑल ओवर इंडिया ठीक है और गवर्नमेंट आ जाती है इसमें तो ये सब लोग जो है आ जाते हैं अब ये एक पोर्टल है ये सारी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिटीजन की कलेक्ट करेगा और एक पोर्टल के अंदर डाल देगा वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में करंटली ये छह भाषाओं में है अब इस तरह के फैक्ट एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बनाकर पूछे जा सकते हैं कि जो आपका नेशनल हेल्थ पोर्टल है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आपको क्वेश्चन बनाना हो और मुझे आपको एक स्टेटमेंट देना हो मैं आपको स्टेटमेंट दे दूंगा द नेशनल हेल्थ पोर्टल अवेलेबल इन ऑल द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की जितनी भी आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में है वो सारी की सारी इसमें आती है तो यह स्टेटमेंट सही होगी गलत हो जाएगी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि सिर्फ अभी छह भाषाओं में है ठीक तो है तो सिटीजन पोर्टल छह भाषाओं में हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सिटीजन को और स्टेक होल्डर्स को all right. अब ये जो नेशनल हेल्थ पोर्टल है इट इज लाइक अ वेबसाइट तो सरकार ने एक वॉइस पोर्टल भी बनाया है क्योंकि हर किसी को हिंदुस्तान में जरूरी नहीं है कि पढ़ना आता हो और जो लोग पढ़ नहीं सकते जो लोग रीड नहीं कर सकते जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है और वो है इसी नेशनल हेल्थ पोर्टल का एक वॉइस पोर्टल ये क्या करेगा एक टोल फ्री नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है और एक मोबाइल ऐप आप आपको प्रोवाइड करा दी गई है आप इस नंबर पर कॉल करेंगे या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके नेशनल हेल्थ पोर्टल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अब बेसिकली ये पोर्टल काम क्या करता है ये एक सिंगल पॉइंट एक्सेस कितना काम करता है इंफॉर्मेशन की जितनी भी हेल्थ की इंफॉर्मेशन है या डिजीजेज की इंफॉर्मेशन है पूरे देश में जि, जिन जिन टाइप के डिजीज हो रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ये अपने पोर्टल के ऊपर डाल देगा और फिर ये हेल्प करेगा रेगुलेशन में स्टैंडर्ड्स में पॉलिसी प्रोग्राम बनाने में कमीशन बनाने में ठीक है इस पोर्टल के अंदर आपको एक डायरेक्टरी सर्विस भी मिलती है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पर है उस हॉस्पिटल का नंबर क्या है ब्लड बैंक्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है एम्बुलेंसेज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है तो तो ये एक तरह से इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का आपको जरिया बनाया गया है ठीक है इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से बन सकता है आपको याद रखना है छह भाषाओं में वॉइस पोर्टल भी है टोल फ्री नंबर और उसके साथ सिंगल पॉइंट एक्सेस है हॉस्पिटल ब्लड बैंक और एम्बुलेंसेस की जानकारी भी देता है ओके चलिए अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट में वीडियो के बाद आप पूछ सकते हैं लिखने की किसी को जरूरत नहीं है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओके चलो उसके बाद हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम अब ये हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हॉस्पिटल्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है ठीक है ताकि हॉस्पिटल्स में एक ऑटोमेटेड प्रोसेस सेट हो जाए आज से एक दो साल पहले आई गेस आपने एक खबर सुनी होगी गोरखपुर में काफी बच्चों की डेथ हो गई थी और गोरखपुर में बच्चों की डेथ होने का कारण यह था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे ठीक है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की

कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करते रहो ऐसा नहीं होगा कि जब आपके पास लेस का सिर्फ एक पैकेट बचेगा तब जाके आप ऑर्डर करोगे क्योंकि जब आप ऑर्डर करोगे उसके दस दिन लग जाएंगे आपके पास लेस पहुंचने में ठीक है गोरखपुर में भी यही प्रॉब्लम हुई ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल ही नहीं थे ऑर्डर करने में लेट हो गया बहुत ज्यादा डिले हो गया अब अगर आपके पास एक प्रॉपर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम होएगा जो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को मॉनिटर करेगा स्टॉक को मॉनिटर करेगा क्या जो है प्रॉब्लम्स है हॉस्पिटल में उस चीज को मॉनिटर करेगा स्टाफ को मॉनिटर करेगा कि आज कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए तो इससे क्या होगा आपकी एफिशियंसी बढ़ जाएगी और सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में ठीक है इसीलिए हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है सारे अस्पतालों में यह एक ऑटोमेटिक डिजिटल सिस्टम होएगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन फीड की जा सकती है ठीक है एचआईएस के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे आप यूजर्स को मैनेज कर सकते हो जो भी उस हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स हैं उनका आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो स्टाफ को मैनेज कर सकते हो अपॉइंटमेंट्स मैनेज कर सकते हो आप ताकि हॉस्पिटल्स में जो सारे लोग हैं वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर ही आए ताकि हॉस्पिटल्स में अनड्यू रश ना हो आप देखेंगे कि बहुत सारे हिंदुस्तान के हॉस्पिटल ऐसे होते हैं वहां पर इतना ज्यादा रश हो जाता है कि पेशेंट ही सफोकेटेड फील करना शुरू कर देता है तो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट की जा सके पेशेंट्स को ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सके लेबोरेटरीज को मैनेज किया जा सके पेशेंट्स को स्पेशली लैब ना जाना पड़े जो लोग ईमेल सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं उनको ईमेल पर ही उनकी रिपोर्ट मिल जाए मेडिकल इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जा सके कि मेडिकल स्टोर में कितनी दवाइयां बची हैं कितने स्टोर्स अवेलेबल हैं कब ऑर्डर करना है कब नहीं करना ये सारी चीजें जो है आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में कवर हो जाती है. हैं कंसेप्चुअल चीजें हैं इसीलिए आपके सिविल सर्विसेज या आपके यूपीएससी ई या आपके पीसीएस में इस तरह के सवाल जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का अगर आप पॉइंट अपने दिमाग में रखें और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के ऊपर कोई सवाल आता है या जो बाकी स्टेट सर्विसेज के भी एग्जाम दे रहे हैं जिनमें रिटर्न एग्जाम आपका होगा मेंस में तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को वहां पर यूज कर सकते हैं एज अ फॉरडर पॉइंट नेक्स्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये आपका जो है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही निकल कर आता है ये एक तरह का फ्रेमवर्क जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहा है ताकि पेशेंट्स को ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सके पेमेंट फीस जो है वो भी ऑनलाइन ले ली जाए डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ऑनलाइन ही सेंड कर दे पेशेंट को ठीक है और अगर ब्लड के बारे में आपको इंक्वायर करना है कि कोई पर्टिकुलर ब्लड अवेलेबल है या नहीं किसी पर्टिकुलर ब्लड बैंक में तो वो भी आप ऑनलाइन ही चेक कर सकें इससे क्या होगा जो बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं ना हॉस्पिटल्स में आप देखोगे अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले तो इतना बुरा हाल मिलेगा आपको अगर आप को फीस भरनी होगी या कार्ड बनवाना होगा ना अपना तो जहां पर वो कार्ड बनता है या फीस भरी जाती है वहां पर कम से कम आप ये लगा लो तीन घंटे तो आपको लाइन में लग जाए लेकिन अगर ये वाला सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड होगा तो आप जो है अपना सारा ऑनलाइन ही सिस्टम कर सकते हैं इसको सारे पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश जो है सरकार इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत कर रही है उसके बाद एक स्कीम जो है एक ऐप जो है एक आईटी इनिशिएटिव जो है मेरा अस्पताल या जिसको आप माए हॉस्पिटल भी आप कह सकते हैं ये एक पर्टिकुलर ऐप है एक तरह की एक आईटी बेस्ड ऐप है जिसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ठीक है यहां पर आप इमेज देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस पर्टिकुलर ऐप को डेवलप किया है एक आई बेस्ड फीडबैक सिस्टम है बेसिकली इसका काम क्या है पेशेंट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि वो हॉस्पिटल्स में आए तो कितने वो सेटिस्फाइड हैं ठीक है हॉस्पिटल की सर्विसेज से स्टाफ की सर्विसेज से डॉक्टर्स की सर्विसेज से क्या उन्हें कुछ तकलीफ हुई तो एक तरह का फीडबैक सिस्टम कलेक्ट करने का मैकेनिज्म है और जो फीडबैक है वो अलग अलग वेज के थ्रू डिफरेंट चैनल्स के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा शॉर्ट मैसेजेस के थ्रू या आउटबाउंड डायलिंग कॉल आएगा आपके पास और उसमें आपसे आपका फीडबैक पूछा जाएगा या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप फीडबैक दे सकते हो ठीक है तो ऑटो टिकली ये जो है पेशेंट्स को कॉन्टेक्ट करेगी जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हो तो आप वहां पर अपनी डिटेल्स भरते हो और उसी डिटेल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने आप से पेशेंट्स को जो है कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर आपको एक फीडबैक सिस्टम जो है मेंटेन करेगी ठीक है जी मेरा अस्पताल क्लियर हो गया देखो ये सारी जो आपको मैं बता रहा हूं ना ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि भैया मेरा अस्पताल नाम की जो स्कीम है या मेरा अस्पताल नाम की जो ऐप है वो उसका काम क्या है ठीक है आपको ऑप्शन दे देगा कि मेरा अस्पताल जो है इससे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मेरा अस्पताल से आप अपना ब्लड बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो इस तरह के आपको ऑप्शन दे देगा लेकिन आपको टिक किस पे करना है वो आपको पता है फीडबैक सिस्टम के ऊपर ओके नेक्स्ट मदर एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तो ये पर्टिकुलर ऐप जो है इसको 2009 में लॉन्च किया गया था 10 साल हो चुके हैं 11 साल लेकिन इंडिया ईयरबुक में थी इसीलिए इसके बारे में एक बार हल्की सी झलक देख लेते हैं तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इस एप्लीकेशन का काम क्या है ये ट्रैकिंग सिस्टम है एक तरह का जो सारी स्टेट्स और यूटीज में इंप्लीमेंट किया जा रहा है इसका मेन काम क्या है ताकि टाइमली डिलीवरी को और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हॉस्पिटल्स में डिलीवरी की जा सके ठीक है जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको ट्रैक किया जा सके और फिर उनकी जो है इंश्योर किया जा सके कि जो उनकी डिलीवरी हो रही है वो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज में हो रही है ठीक है और इमीजिएट चाइल्ड बर्थ के बाद चाइल्ड को भी ट्रैक किया जा सके ताकि उसके न्यूट्रिशन और हेल्थ का ध्यान रखा जा सके इसीलिए यहाँ पर एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर सर्विसेज लिखी गई है बच्चों की इम्यूनाइजेशन की बात यहाँ पर की गई है और अल्टीमेट गोल क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेटरनल मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी को कम किया जा सके आई एम क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी जो आपका लेक्चर वन था सोशल सिक्योरिटी का हमने ये भी देखा था कि दो की जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसमें क्या टारगेट्स रखे गए आई एम एमएमआर के लिए और करंटली हमारा आई एम आर एमएमआर कितना है ये सब हमने डिस्कस किया तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो वन देख लेना काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें कवर किए हैं प्री के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट एक आईटी इनिशिएटिव की बात करेंगे दिस इज़ योर किलकारी एप्लीकेशन किलकारी एप्लीकेशन बेसिकली एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक अवेयरनेस क्रिएटिंग एप है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए नॉलेज क्रिएट करने के लिए यह ऐप जो है बनाई गई है इसका मेनली काम क्या है ये ऑडियो मैसेजेस डिलीवर करेगी फ्री में ठीक है प्रेगनेंसी के बारे में चाइल्ड बर्थ के बारे में और चाइल्ड केयर के बारे में तो बेसिकली ये ऑडियो इंफॉर्मेशन किसको जाएगी ये प्रेग्नेंट वुमेन को जाएगी या उन औरतों को जाएगी जिनके बच्चे अभी छोटे हैं ठीक है जिन ताकि वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके ये करेंटली कुछ इन स्टेट्स में जो है इंप्लीमेंट की जा रही है जैसे असम बिहार छत्तीसगढ़ दिल्ली हरियाणा हिमाचल अब ईपीएफओ के पेपर में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी कौन सी स्टेट है या पीसीएस में भी नहीं पूछेंगे इंडिविजुअल स्टेट सर्विस अगर कोई दे रहा है जैसे पंजाब स्टेट सर्विस कोई दे रहा है पीसीएस कोई दे रहा है या ओडिशा सिविल सर्विसेज कोई दे रहा है या राजस्थान सिविल सर्विसेज कोई दे रहा है तो ये जरूर पूछ सकते हैं कि क्या किलकारी एप्लीकेशन जो है वो इस स्टेट में है ठीक है अब अगर राजस्थान का एग्जाम है राजस्थान वाले पूछ सकते हैं कि किलकारी कि एप्लीकेशन क्या राजस्थान में चल रही है तो आप कह दोगे कि हाँ राजस्थान में चल रही है अगर आप अगेन राजस्थान का ही एग्जाम दे रहे हो और राजस्थान का आप मेन्स का पेपर दे रहे हो ठीक है तो उसमें अगर चाइल्ड केयर और मेटर्नल केयर की बात आती है तो आप कह सकते हो राजस्थान इज वर्किंग वेरी गुड इन मेटरनल केयर इट इज ऑल्सो इंप्लीमेंटिंग किलकारी एप्लीकेशन टू जनरेट अवेयरनेस फॉर प्रेगनेंसी हेल्थ केयर एंड चाइल्ड बर्थ केयर इस तरह की स्टेटमेंट आप लिख सकते हो समझ रहे हो ना कि किस तरह देखो इंफॉर्मेशन का हर इंफॉर्मेशन का अपना अपना यूज है अलग अलग जगह इस्तेमाल होती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन कहां यूज करनी है ठीक है चलिए नेक्स्ट मोबाइल अकेडमी अब ये मोबाइल अकेडमी क्या है ये एक ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स है सबसे पहले तो समझ लो कि कोर्स है कोर्स क्या होता है जैसे हमारा सोशल सिक्योरिटी का ये यूट्यूब के ऊपर कोर्स चल रहा है लॉ का हमारा कोर्स चल रहा है गैप का हमारा कोर्स चल रहा है ये सब क्या है कोर्सेस तो ये मोबाइल एकेडमी बेसिकली क्या है एक ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स है अब इसका मेन काम क्या है जो आशा वर्कर्स हैं, उनकी नॉलेज को एक्सपेंड करना और रिफ्रेश करना और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना ताकि वो और ज्यादा बेहतर वे में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए ये इन स्टेट्स में जो है 2016 में लॉन्च किया गया था जैसे कि बिहार छत्तीसगढ़ दिल्ली हरियाणा हिमाचल झारखंड एमपी ओडिशा राजस्थान यूपी उत्तराखंड ठीक है ये प्रेजेंटली इसके अंडर कवर्ड है और क्योंकि ये ईयरबुक दो हजार बीस में से इंफॉर्मेशन ली गई है तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ठीक है तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोबाइल एकेडमी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है ठीक है आपको फॉर आप, एग्जाम्पल मैं यहां पर क्वेश्चन फ्रेम कर ही देता हूं चलो एक एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं चलो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हम बना सकते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो आप कोशिश किया करो कि आप अपनी एंड पे क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश किया करो तो क्वेश्चन यहां पे आ गया मोबाइल अकेडमी एनआईटी इनिशिएटिव इज फॉर ऑप्शन ए स्किल इंडिया मिशन वोकेशनल ट्रेनिंग वैसे तो स्किल इंडिया मिशन में ही आ जाएगा वो लेकिन कई बार ऑप्शंस इस तरह के बना दिए जाते हैं ऑप्शन सी ऑप्शन सी में मैं आपको देता हूं चाइल्ड एजुकेशन ऑप्शन डी में मैं आपको दे देता हूं ठीक है ट्रेनिंग ऑफ आशा वर्कर्स ठीक है जी तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है तो आंसर हो जाएगा डी समझ रहे हो चलो स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है और ये स्टेटमेंट दे, दे देंगे और इसके साथ दो स्टेटमेंट्स कोई और होंगी आपको बताना होगा सही है या गलत है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर ऐप कॉल्ड निक्शय ठीक है नी शय ठीक है नी मीन्स एंड खत्म करना और शय मीन्स टीबी टीबी को खत्म करना ठीक है ये हिंदी वर्ड है दोनों तो नी का मतलब एंड होता है अंत होता है और शय का मतलब होता है टीबी ठीक है तो अब समझ ही गए होंगे कि ऐप जो है वो टीबी पेशेंट्स के लिए है तो ये पर्टिकुलर ऐप जो है टीबी पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई है ताकि जिन इंडिविजुअल्स को टीबी है उनको ट्रैक किया जा सके ये देखा जा सके कि वो अपना ट्रीटमेंट जो है उसको टाइमली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सारी स्टेट्स में जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है यह नेशनल ट्यूबर क्लॉसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर जो है इस पर्टिकुलर ऐप को जो है डेवलप किया गया है इसके अलावा इसी ऐप के थ्रू एक मिक मिस्ड कॉल सेंटर फैसिलिटी भी बनाई गई है जिसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है यूजर्स को और इसका काम यह है कि जो यूजर है वो टोल फ्री नंबर पर कॉल दे ताकि जो है टीबी पेशेंट्स तक सरकार पहुंच सके ठीक है उनको काउंसिल कर सके और उनको ट्रीटमेंट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सके तो निश्चय अब आपको याद रखना है कि टीबी से रिलेटेड है नेक्स्ट आ जाता है आपका टोबैको सेजेशन प्रोग्राम अब ये एक मोबाइल बेस्ड इंटरवेंशनल इनिशिएटिव है इसका मेनली काम क्या है कि ये काउंसिल करना चाहता है और हेल्प करना चाहता है जो लोग टोबैको छोड़ना चाहते हैं तो जितने भी आपके सिगरेट्स होते हैं उनका जो डब्बी होता है या जो आपके बीडी के पैकेट होते हैं या जो आपके टोबैको पैकेट्स होते हैं जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वो नंबर लिखा होता है ठीक है अगर आप उस, उस पर लिखा होता है इफ यू वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग कॉल ऑन दिस ठीक है आप उस पर कॉल करेंगे तो फिर वो आपको काउंसिल करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप टोबैको छोड़ सकते हो ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इज यार एम डायबिटीज़ प्रोग्राम एम डायबिटीज़ प्रोग्राम अगेन मोबाइल बेस्ड इनिशिएटिव है डायबिटीज़ uh, पेशेंट्स को प्रिवेंशन और केयर प्रोवाइड कराने के लिए ई सी कार्ड्स ई सी जी एस कार्ड्स एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है ठीक है ये हेल्प करता है सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ सी जी अब सरकार जो है एक कार्ड देती है जिसको कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड इस कार्ड की वजह से जो भी इस कार्ड के होल्डर्स होते हैं वो किसी भी सेंट्रल हॉस्पिटल में जो है हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं तो पहले क्या होता था ये इसकी मैनुअल प्रिंटिंग होती थी तो सेंटर पे जाना पड़ता था लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था अब ई e घर बैठे कॉल्ड सुगम सुगम जो इनिशिएटिव है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इनिशिएटिव है दिस इज इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अब ये जो सुगम एक प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया है सीडीएससीओ ने इसका मेन काम है टू एनेबल ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ठीक है एप्लीकेशन किस चीज की अगर कोई भी ड्रग्स का अप्रूवल चाहता है या क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल चाहता है या एथिक्स कमिटी का अप्रूवल चाहता है किसी भी नई टेक्नोलॉजी या मेडिसिन के लिए मेडिकल डिवाइसेस के लिए वैक्सीन के लिए कॉस्मेटिक्स के लिए तो पहले की तरह उसे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है ऑनलाइन ही उस एप्लीकेशन की जो है ट्रैकिंग कर सकता है प्रोसेसिंग कर सकता है और अप्रूवल भी उसको ऑनलाइन ही मिल जाएगा तो एक तरह से जो है सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो है वो बना दिया गया है फार्मा इंडस्ट्री के लिए ठीक ठीक है तो इस इनिशिएटिव का नाम है सुगम आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है काफी पूछा जा सकता है सीधा सीधा पेपर में सुगम चलिए नेक्स्ट इज योर ई औषधि प्रोग्राम अब ई औषधि प्रोग्राम क्या है इट इज अ ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो डील करता है परचेस से इन्वेंट्री से मैनेजमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन से जितने भी ड्रग्स हैं या सर्जिकल आइटम्स हैं वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में वेयर हाउसेज में स्टेट्स में हॉस्पिटल्स में में सब स्टोर्स ठीक है 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 तो एक तरह से जो है जो फ्लो ऑफ ये मैनेज करता है कि कहां पर कितनी है किस स्टोर में कितनी दवाईया किस स्टेट में कितनी दवाइयां हैं ठीक है थीके? कहां पर क्या जा रहा है ताकि प्रॉपर एक सप्लाई चेन मेंटेन की जा सके ठीक है ताकि दवाइयों की कमी ना हो सके क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके ओके ई औषधि का मेनली काम क्या है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है ओके तो यही कुछ आ, आपके आई टी इनिशियेटिव थे बच्चों जो आपके ईयर बुक में गिवन थे आई होप आपको समझ आए होंगे इनमें से कुछ इनिशियेटिव ज्यादातर इनिशियेटिव इसमें से पुराने ही हैं लेकिन क्योंकि ईयर बुक में थे तो एक बार हमने दिमाग से निकाल लिया अब क्वेश्चन आ जाएगा तो यू निकाल देंगे ठीक है तो आई होप आपको मजा आया होगा किसी को कोई भी डाउट हो तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ सकते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे तो मिलेंगे अब अगली क्लास में बच्चों धन्यवाद ऑल द बेस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय